हूँ जी असी गल करनी आ बहुत ही अहम विशा हैगा बहुत अहम जानकारी आ जिवें साडे दर्शकां नाल असी पहला भी कई बार हुण प्रोग्राम किए पिछले दिनों दे विच SB 553 जिहड़ा कानून पास होया खास तौर पर कैलीफोर्निया दे विच उहदा जिक्र असी कीता तुहाडियां राय भी लईआं सी साडे दर्शकां दीआं ते हुण असी गल करदे आ कल नूं जाणी कि 16 अगस्त नूं दुपहरे 2 बजे एक प्रोटेस्ट जिहड़ा हो रहा है सैक्रामेंटो दे विच साडी जिहड़ी राजधानी है कैपिटल आ उहदे विच एक प्रोटेस्ट हो रहा बहुत वड्डे पद्धर ते जिहदे विच हो सकता साढ़े ज़्यादातर पंजाबी हुण पर हर कम्यूनिटी के हर बिजनेसमैन जिहड़ा भी अफेक्टड हैगा इस बिल दे नाल 553 जिहड़ा आया वह सारे उत्थे इकट्ठे होणगे इस बिल का विरोध करन वास्ते की है ये बिल ते की इहदे नुकसान ने क्यों उहदा विरोध हो रहा यह सारी गल करन वास्ते जिन्हां ने यह चक्कण चक्किया जिन्हां नूं मैं कह सकदा अपने तौर पर जसकरन सिंह सोहता तो गैरी हुणी इन्हां ने सारा चक्कण चक के गल शुरू की तो वो छोटे प्रोटेस्ट पहले करते सी सब तो वड्डा प्रोटेस्ट जिहड़ा कल नूं 16 अगस्त दुपहरे 2 बजे उत्थे होना है तो पहला मैं बेनती मैं भी करदा वह भी करनगे कि टाइम सिर उत्थे पहुँच जिओ क्योंकि उत्थे पार्किंग वगैरह लाउण दे विच टाइम लग सकदा गल करदे हां जी जसकरन सिंह सोहता साहब नाल जी जसकरन जी सति श्री अकाल बहुत बहुत स्वागत तुहाडा सत श्री अकाल जग्गी भाजी बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी सारे ही साडे सुनने वाले जिन्हें भी स्रोता जन ने दर्शक ने अपने साडे जस पंजाबी टेलीविजन नूं वेखण वाले सारयां नूं बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल जगतार भाजी मेहरबानी कि तुसीं सानूं जी टाइम दिता अपने SB 553 डिस्कशन करने अपने प्रोग्राम दे विच बिल्कुल जी मैं अपना फर्ज समझदा साडे जस पंजाबी दे अदारे वल्लों साडे सगों जे CEO ने मैडम पैनी संधू जी ने न्यूयॉर्क हुंदे ने उन्हां नाल मैं जिक्र कीता सी कहिंदे वी अगर ये प्रोटेस्ट तुसीं कर लो उस तो बाद असीं इहदी इक सीरीज शुरू कर देंगे जिहड़ा जिहदे नाल कि हाइप होर क्रिएट हो जाएगी जब तक बिल ये कैंसल नहीं हुंदा तो अच्छा एक हुण सब तो पहली गल तो ये बिल है की है तो ये लियांदा क्यों गया सब तो पहला सवाल तो यह है ये पिछे कारण की ने कौन इत्थों दे सैनेटर ने जां गवर्नर ने लियांदा की लियांदा है इस बिल नूं लियाउण वाले अपने डिस्ट्रिक्ट 15 तों ने डेव कर्टोजी वह इस बिल नूं लैके आए ने SB 553 सैनेट बिल 553 जिहदे विच उन्होंने प्रोविजन की है कि इहदा नाम बड़ा प्यारा जिहा रख्या आ वर्कप्लेस वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट तो सुन दे विच बड़ा लगता वधिया कि यह बिल जिहड़ा अपने जो भी समॉल बिजनेस ने कन्वीनियंस स्टोर ने गैस स्टेशन ने लिकर स्टोर ने उन्होंने उपर जो वायलेंस होंगी है रॉबरीज होंदिया ने जां शॉप लिफ्टिंग होंगी भी हो सकता वो हक में आया वे क्योंकि जिंदा का बड़ा उन्होंने मिठा जिहा नाम रख्या वर्कप्लेस वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट तो पहला इसे करके किसी ने यदा ख्याल नहीं रखिया जग्गी भाजी तो यह सैनेट में बिल पास हो गए असैम्बली जा रहा तो गवर्नर के साइन हो गए तो फिर इन्हें कानून बन जाना है की हुंदा कि अमरीका दे विच जदों आपां जिन्ने भी कन्वीनियंस स्टोर ने जां लिकर स्टोर ने जां वड्डे स्टोर जिन्ने भी अपने रिटेल स्टोर ने वॉलमार्ट ला लो टारगेट ला लो जदों इन्हां दी आपां एवरेज कढ़दे ना कि जिहड़ी चोरी उत्थे हुंदी आ शॉप लिफ्टिंग हुंदी आ बंदा आया समान झोले च पाया जेब च पाया चक्के चले गया वह कोई एवरेजली नैशनल एवरेज आ 1.4% आ जी 2% तो 1.5% लग गया जी इन्नी तो होनी होनी है असी जे आप कन्वीनियंस स्टोर वाले साढ़े अपने कन्वीनियंस स्टोर से थोड़ी जी चोरी ज़्यादा होंगी है कोई ऑलमोस्ट 4.8-5% साढ़े जिदा 4.5 के बच्चे चोरी होंगी है तो वह असी बिच रख्या भी हों मार्जिन कि इन्ना का समान खराब भी होना चोरी भी होनी है ये बिल आने के नाल की हो रहा कि शॉप लिफ्टिंग जिदा तुम कह लो कि जी चोरी लीगलाइज हो जाना इतने इन्हें तुम करता भी ठीक है अपना झोला करो लिया तो भर के चल दो थानू जो इंप्लाई काम करता कैश रजिस्टर से रोक नहीं सकता थानू लुटेरे जी चोरों में सपोर्ट है नाले जिहड़ा डेटा आ असीं तां इह भी सुणिया दसदे कि लोग जदों दा इन्हां ने पता पहला की सीगा पहला इत्थे अपना हुंदा सी $450 तक तुसीं चोरी करदे आ ना तां उह मिसडमीनर विच आउंदा सीगा जे $451 जदों उपर हो जांदी तां फैलनी बन जांदी सीगी ते इत्थे 3-स्ट्राइक एक्ट भी हैगा जदों तुसीं 3 फैलनीज हो गए तां तुसीं सारी उम्र जेल च बैठे रहिंदे आ तुसीं सो इन्हां ने की कीता
साल का पहला इन्होंने नवंबर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ 4 ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ 47 ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ 47 ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 450 ਵਾਲੀ ਮਿਸ ਡਮੀਨਰ ਤੋਂ ਫੈਲਣੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੇਂਜ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹ $950 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ $949-950 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ 949 ਦਾ 950 ਦਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹਾਂ ਜੇ $1500 ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ੌਪ ਲਿਫਟਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਭਰੇ 950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵੋਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ 950 ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ $930 ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ 450 ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 950 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਮੱਦਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਚਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸਟੋਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ $5,000-7,000 ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਲਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ 4-5 ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਰੀਓਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਓ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 5-7,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲਾਈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰੋਗੇ $30-35 ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਡਨ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ ਉਹ $30-35 ਪਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਰਾਈਟ 30 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ $600 ਰੋਜ਼ ਦਾ $18,000 ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਚੋਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ SB 553 ਬਿੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡਾਕਟਰਨ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕਟਨ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੇਸ ਇਸੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ 2-4 ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੱਕਣ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦਾ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦਿਵਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵੀ ਆ ਬਿੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਇਕੱਲਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
अपने ब्लैक कम्यूनिटी कोकेजनस जां जिन्ने भी मैक्सीकन भाईचारे के लोग है सारे ही लोग आपां नूं इहदे विच सपोर्ट कर रहे चाहे वह स्टोरां दे मालक हैगे आ जां नहीं सो वह सारे ही आपां ने नाल कल नूं उत्थे तुसीं देखोगे कंपनियां दे मालक भी पहुँचणगे स्टोरां ते काम करन वाले भी पहुँचणगे सो मैनूं उत्थों पता लगा फिर असीं देखिया भी किसी ने किसी जिहड़ियां साडियां पोलीटिकल ऑर्गनाइजेशन अपनियां पंजाबियां दियां जां इंडियंस दियां बनियां भी उन्होंने मुद्दा ही देखा कोई मुद्दा चक नहीं रहा है तो असी ज़्यादा सोचे चलो ठीक है जो किसी को दो चार स्टोर है तो दो चार साल फिर कट जूगा हम सिंगल स्टोर का सानू बड़ा लगे भी जे किसी बेचारे ने जिदा एक दो भैन जी का मातावान का भी सानू फोन आया सगा कि मेरे तो मुंडे ने जी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर करके दस बारह साल मेरे हसबेंड ने असी एक स्टोर लिया तो साढ़े ना कि उन्होंने गलों मद्देनजर रखते भी सानू लगा नहीं यार किसी ने किसी चक्कन चकना पैना सो फिर वाहेगुरु ने यह जी मौका सानू बख्शे तो असी यह चक्कन चक्या फिर सारा। हाँ जी बहुत वड्डा सोचने वाला जी विशा बहुत लोंग रन तो यह बहुत वड्डा नुकसान होना है। लोग अगे तो हुण कैलीफोर्निया नूं भजदे सीगे जी वैदर वधिया तो हुण मोस्ट लोग जिहड़े आ इस करके कैलीफोर्निया तो जाने शुरू हो जाएंगे होर स्टेटां दे विच। इत्थे एक ओकलैंड की शायद गल है एक हफ्ते दे विच दो बार चोरी कर गए इको स्टोर से जी उन्होंने ऑलमोस्ट 60-70 हज़ार का समान वो बंदे 15-20 है चाके लै गए बेचारे ने दूए दिन तीजे दिन स्टोर भरिया तो घंटे बाद फिर तो फिर सारा समान चाके लै गया। कल एलए दे विच होया स्टोर दे विचों आए बंदे 30-40 अपना अपनी गड्डियां भरिया 1 लाख तो उपर का समान लै गया चाके भाजी। सैन फ्रांसिस्को जिन्हें भी ब्रांडेड स्टोर ने जो छोटे मोटे 30% स्टोर भाजी बंद होने लग पे सैन फ्रांसिस्को हम तुम देखो कि बंदा थोड़े स्टोर तो समान चकन आता कि नुकसान सह लोगे तो हाले सानू जिदा पूरा बिल असी लॉयर्स नहीं गए है असी लॉयर्स के गल की उन्होंने बिल कॉपीज दितियां आ वो सारा देख रहे भी एक तो होंगे ना कि थानू बिल दाइन लिखिया थानू लैंगुएज वो दी दियां एक वो पिछले हिडन एजेंडा होंगे भाजी जो आप मैं आम लोग समझ नहीं सकते हैं वो सिर्फ उन्होंने ज जे बिल के ऑथर बनाने वाले वो समझ सकते हैं तो फिर जे लॉयर्स आ समझ सकते सो सा उन्होंने पूरी गल चलन दी है कि भाई तुम ये दसो ये होर ये कि मद्दा आ जिड़िया असी इनू अपोज करके ते असी उन्हां नूं कहे कि भाई इहदे विच तुसीं सोध करो अमेंडमेंट करो अमेंड करो कि तुसीं कल्ले चोरां नूं नहीं बचाउणा तुसीं इंपलाइज़ नूं भी बचाओ इंपलाइज़ नूं भी स्टोर के मालक जिहड़े उन्हां दे बिजनेस नूं भी तुहानूं बचाउणा पैणा क्योंकि सब तो ज़्यादा जिहड़ी इंपलायमेंट है भाजी वह छोटे स्टोरां वाले पैदा करते हैं बाकी कंपनियां नूं भी ज़्यादा हरेक स्टोर से 5-5, 6-6 बंदे काम करते हैं। बिल्कुल जी तो यह तो पता लग्या जिवें तुसीं गल करदे सी आपां वी बाहरले स्टेटां चों लोग फ्लाइट लै के भी आ जाण ते उह वी वाहवा फायदे च फिर भी रहिंदे आ फ्लाइट दे टिकट टूट दे खर्चे कढ के भी होटल होटल दे खर्चे कढ के भी ते समान लै जांदे। असीं सुणिया कि लोग फ्लाइट करके आते वो कहते भी बड़ी वधिया सेंचुरी बहुत सोहना इन्होंने एक कैलीफोर्निया च लॉ बनाता तो अगले फ्लाई करके आते हैं वड्डे ब्रांडेड स्टोरों तो 2-4 बैग चके 5-5, 7-7 हज़ार का बैग हुंदा आ ते अगले जाके बोलते असं तो यह भी सुनिया कि जे कई स्टोर मालिक हो कहते भरावा असं चोरी किया समान दोबारा चोरों को खरीद लेने भी दुए तो महंगा मैंने इन्होंने तो सस्ता लै लवेंगे इतों तक भी गल्लां जान रही भाजी। ये सुनने वाली गल्लां असीं साडे नाल होया नहीं वेख्या नहीं गा पर जो असीं खबरां पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत कुछ हुंदा। कल रेडिंग दे विच असीं प्रोटेस्ट शुरू किया सीगा जग्गी भाजी उत्थे कोई ऑलमोस्ट 100 दे करीब अपने सारिया कम्यूनिटियां दे बंदे सीगे ते इतों के जो लोकल मीडिया चैनल से चाहे सोशल मीडिया से जां डिजिटल मीडिया जां टीवी जिदा KRCR जां चैनल 24 उन्होंने पूरा कवर किया ते हुण पैनी भैन जी होनी जगतार भाजी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद कि तुसीं भी कवर कर रहे हो ते हांजी पहुंचांगे जी कल पहुंचांगे ते अच्छा अखीर दे विच इह दस्सो जी की कर सकदे कोई जां इहनूं करन वास्ते होर किहदा किहदा योगदान हो सकदा की लोकां तों सहयोग पालदे देखो जगी भाजी चाहे तुसीं स्टोर ऑन करदे आ जां नहीं हरेक ने कन्वीनियंस स्टोर से समान खरीदन जाना होंदा आ सब तो वड्डी गल है कि जे चोरां नूं खुल होगी तुहाडी अपनी तुहाडे परिवार की तुहाडे बच्चों की सेफ्टी नूं बहुत फर्क पैना उहदे नाल ते कोई नहीं बंदा चाहूगा कि यार मैं अपने परिवार के नाल कन्वीनियंस स्टोर तो समान लैन जावां यू नैवर नो कि कदों किसी चोर ने आ जाना तो उन्हें उत्थे माहौल क्रिएट करता उन्होंने असीं हथ भी नहीं ला सकते रोक भी नहीं सकते तो मेरे बच्चों की सेफ्टी मेरे परिवार की सेफ्टी ये इन्वॉल्व है। सो असी सारे ही सुन वालों अपने जस पंजाबी वेखण वालों गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ के बेनती है थोड़े मूहरे कि तुसी अपने अपने जेड़े सैनेटर्स या असैम्बलीमैन है हाँ जी उन्होंने तुम फोन करो चाहे वह किसी भी पार्टी ने संबंधित आ तुम आप जिहड़ी मर्जी पार्टी ने चाहे तुम डेमोक्रेट हो तुम रिपब्लिकन हो ग्रीन पार्टी बिलोंग करते हो इस पार्टीबाजी तो उपर उठ के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट असैम्बलीमैन कौन जे अपने सैनेटर्स है उन्होंने फोन करके कहो कि भाई सानू ये बिल
बिल्कुल पसंद नहीं गया हैगा। इहदियां जिहड़ियां इहदे विच अमेंडमेंट्स होनियां चाहीदियां जिहदे विच तुसीं लोकां दी सेफ्टी, बिजनेस जिहड़े ओनर्स आ उहनां दी सेफ्टी, ते दूजी गल प्रोपोजिशन जिहड़ी प्रोप 47 सी, प्रोप 47 जिहड़ा तुसीं नौ पधा के 950 कीता, उहनूं वी तुसीं 100 डालर तक लै के आओ तां कि चोरां नूं कन्न होण, वी 100 तों उपर दी जिहड़ी चोरी आ उह फैल नहीं बण सकदी आ। ते दूजी गल, तुसीं अजकल जे गूगल करोगे तां तुहानूं डेव कटोजी दा नंबर मिल जाणा आ, उन्हां दे ऑफिस विच तुसीं कॉल कर सकदे हो कि भाई ये बिल जिहड़ा तुसीं लै के आए हो यह बेहद निराशाजनक ते बेहद इंपैक्ट करूगा साडे समॉल बिजनेस वालियां नूं, कल्ले पंजाबियां दे नहीं, स्टोर सारियां इत्थे हैगे भाजी, हरेक कौम दे स्टोर आ इत्थे, सो इह सारियां नूं इंपैक्ट करना। सो तुसीं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट दे जिन्ने भी पॉलिटिशियंस ने असैम्बली ते सैनेटर्स, उन्हां नूं कॉल करके कहो कि इस बिल की विरोधता करन, इहदे विच बैठ के जिन्ने भी जो कमेटियां हैगियां उन्हां दे नाल गल करके ते इस बिल दे विच सोध करके इहनूं चोरां दे हक विचों कढ के बिजनेस ओनर ते इंपलाइज दे हक विच लैके आंदा जावे, इही साडी सारिआं मूहरे बेनती है जी। बहुत मेहरबानी जी, बहुत बहुत जानकारी दी, और कल की जी उम्मीद है सारे दर्शक जो देखते हैं जरूर पहुँच सकते पहुँचने उत्ते, बहुत थोड़ा धन्यवाद जसकरन जी। जगी भाजी, एक मैं होर कहांगा कि कल नूं अपना जिहड़ा रोस प्रदर्शन है वह कैपिटल हिल बिल्डिंग सैक्रामेंटो 2 बजे तो लैके 4 बजे तक का अपना टाइम है, 1:30 बजे हाँ जी, वेस्ट साइड अपनी जी आपने अलॉट की है जगह वेस्ट साइड आ, तो उत्थे तुसी सारे जने पहुँचो। दूजी गल, मैं जस पंजाबी टैलीविजन के जरिए आप सबना दे अगे बेनती करदा, जिन्ने भी तुसी वेखण वाले हो बहुत प्यार दिंदे हो तुसी जस पंजाबी नूं, तुसी जदों कल नूं सारे ने उत्थे आना आ ना, ये साडी रिक्वेस्ट है कि उत्थे ना आपां पंजाब वाला माहौल जिद्दां इनकलाब जिंदाबाद मुरदाबाद शेम शेम गो बैक इदां दा काम बिल्कुल नहीं आपां करना, आपां सारिआं ने बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। उत्थे अपने पॉलिटिशियंस भी आए होंगे, हरेक जिहड़े अपनी सपोर्ट विच भी होंगे, हो सकता है जिन्होंने बिल ऑथर्स लैके आए वह भी सानू कहणगे सानू टाइम दिओ, जिहड़े तुहाडे नाल फैसला करन नूं तैयार हैं दसो कि जदों वह भी आउण ते आपां बिल्कुल प्यार दा सबूत दे के चुप करके बैठे रहना, अपने जिहड़े तुहाडे हत्थां दे विच वोट पड़े होणगे उह उहनां नूं दिखाओ कि भाई प्लीज़ स्टॉप SB 553, तुसीं इहनूं बंद करो। तो पर आप उत्थे ना कोई यहोजी नारेबाजी नहीं करनी जिहदे नाल, क्योंकि सारा मीडिया उत्थे पूरे अमरीका का इकट्ठा होया होना है, जस पंजाबी भी होगा तो नाल इतों इंग्लिश मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया सारा होना, तो उन्होंने सामने आप जिंदाबाद ना मुरदाबाद वाला काम ना करिए, चाहे कोई भी आए वो साड़े सारे सामने जिन्हें भी ऑर्गेनाइजर ने हाथ जोड़ के बेनती भी ये काम ना आप करिए चुप करके। बहुत मेहरबानी जसकरन जी, बहुत मेहरबानी। ओके जी, सत श्रीकाल सारे जगतार भाजी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी, सत श्रीकाल जी। गल असी कर रहे सी SB जिहड़ा 553 बिल हैगा आया, कानून बन जाना जे गवर्नर दे साइन हो गए जिवें जसकरन जी ने दस्या, सो सारे जणे सानू इहदे विच साथ देना चाहिए। मैं बेनती करदा सैक्रामेंटो जिहड़ा कैपिटल है जी उहदा वेस्ट साइड दे उपर ये प्रोटेस्ट होएगा, तो जिहड़े भी उत्थे पहुँच सकते जरूर पहुँचो।